दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि खड़ियाली आंसू ना बहाओ। कई लोग ये भी कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ। इसका मतलब भी आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई सिर्फ दिखावे के लिए रोता है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ नौटंकी कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं भैया खड़ियाली आंसू ना बहाओ। लेकिन इस झूठी हमदर्दी का घड़ियालों से क्या संबंध? दरअसल ये कहावत अभी से नहीं 14वीं शताब्दी से प्रचलित है। हम अपने बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं, इसके पीछे भी एक तर्क है। कहा जाता है कि एक जानवर था जो इंसानी शिकार को निगलते समय आंसू बहाता था, तभी से घड़ियालों को इसका रूपक माना जाने लगा। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के जूलॉजिस्ट केंट लीप ने भी सिद्ध किया था कि वाकई कुछ जानवर खाते हुए सुबकते हैं। उन्होंने 7 में से 5 घड़ियालों को शिकार निगलने के बाद रोते हुए भी फिल्माया था। लीप की थ्योरी के अनुसार जब इन जानवरों के जबड़े खाते हुए आपस में टकराते हैं, तब एक शारीरिक प्रक्रिया की वजह से इनकी आंखों से पानी निकलता है। डॉक्टर इस प्रक्रिया को क्रोकोडाइल टियर्स कहते हैं। तो इस तरह बनी थी ये कहावत जो आज तक प्रचलित है, जिसे शेक्सपियर तक ने अपनी कहानियों में इस्तेमाल किया है।